नमस्कार, मैं हूं वासुदेव साहू एंड आई वेलकम टू यू द वर्ल्ड चैनल। मंडे को चाइना ताइवान का एयर डिफेंस जोन की परवाह ना करते हुए 56 फाइटर एयर जेट को ताइवान का ऊपर कंटिन्यू उड़ाया था। 3 दिन में चाइना लगभग 150 फाइटर एयर जेट को ताइवान की तरफ भेजा था, जिसमें बम्बर भी शामिल था। ताइवान लोगों को लगने लगा था जैसे चाइना अभी इन्वेजन स्टार्ट कर देगा ताइवान पर। काफ़ी पैनिक सिचुएशन था ताइवान के अंदर। कल ताइवान डिफेंस मिनिस्टर भी बोल चुके हैं चाइना का फुल कैपेसिटी है और ताइवान को 2025 तक फुल्ली इन्वेजन कर देंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे चाइना ताइवान टेंशन के बारे में और इस इशू में इंडिया का क्या स्टैंड है एंड जो बाइडन क्या कर रहे हैं एंड इन द एंड ताइवान को चाइना से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो भी डिस्कशन करेंगे। सब कुछ देखेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। लट ऑफ डिस्कशन एंड व्हाट बिहाइंड इट, एक्सप्लोर देम। राइट, अगर कोई देश के डिफेंस मिनिस्टर ओपनली बोल रहा है उनका डिफेंस सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है कि कल को अगर कोई वार होता है अगेंस्ट हिम या इन्वेजन होता है तो बिना कोई बाहरी मदद के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे नहीं पाएंगे, और अगर चाइना पड़ोसी जैसा होता है तो वो खतरा दुगना हो जाता है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है एंड एक्सपैंड माइंडसेट है। करंटली चाइना ताइवान को 150 फाइटर एयर जेट भेजा था डराने के लिए। आप पूछेंगे चाइना अचानक इतना अग्रेसिव क्यों दिखा रहा है? उनका तो प्लान था 2025 तक ताइवान को कब जाने के लिए। देखिए एक्सपर्ट, 2025 तक चाइना का प्लान है ताइवान को कब जाने के लिए। देखिए ये 2013 से चाइना में वायरल हो गया था, जो आते आते 8 साल लग गया बाहरी कंट्री में। इस टॉपिक में मैं एक डेडिकेट वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं इस वीडियो को। मानना है जिस तरह लिथुएनिया ताइवान इशू को लेके इतना एग्रेशन दिखाया था चाइना को डर है। अगर लिथुएनिया जैसा बाकी कंट्री भी ताइवान इशू को इतना सीरियस लेंगे तो चाइना आगे जाके डेंजर में हो सकता है, खुद को महसूस कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया एंड ताइवान के बीच 56,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर डील हुआ था इंडिया एंड ताइवान के बीच, जो काफ़ी बड़ी डील है। ताइवान इंडिया के बीच बढ़ती क्लोजअप को लेके चाइना काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, इसीलिए चाइना इतना एग्रेशन दिखा रहा है, ये एक्सपर्ट का मानना है। और थर्ड पॉइंट, कमजोर प्रेसिडेंसी। जिस तरह जो बाइडेन अफगानिस्तान में ब्लंडर किए हैं, चाइना ये देखते हुए समझ गया है यूएसए हिस्ट्री में ये सबसे वीक प्रेसिडेंट है। आप प्रेसिडेंट हैं तो यूएसए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। आप मेरे को पूछेंगे यूएसए प्रेसिडेंट को आप कमजोर कैसे कह सकते हैं? देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इशू आज यूएसए में चाइना को पता है। कल अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट आ गए उनका ऊपर लगेगा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शन, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके ताइवान को डरा के या इन्वेजन करके चाइना का पार्ट बनाना चाहते हैं। इंग बेन ने चाइना को साफ साफ बता दिया है अगर चाइना ताइवान को इन्वेजन करने की कोशिश करता है तो चाइना इसका भयंकर परिणाम भुगने के लिए तैयार भी हो जाना चाहिए। आगे साई ने यह भी मेंशन किया है, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारा अखंडता, लोकतंत्र और जीवन शैली पर अगर कोई खतरा पहुंचता है तो ताइवान
आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरत है, जो 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 भी जरूरत समझेगा वो करेगा, वो करने के लिए तैयार भी है। आगे आगे ये भी बोले हैं, दुनिया को समझने की जरूरत है। ताइवान अगर चाइना के हाथ में चला गया तो क्षेत्रीय शांति के लिए ये विनाशकारी हो सकता है। ताइवान जितना भी एग्रेशन क्यों ना दिखाए, उनका उनको पता है बिना यूएसए, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बिना कोई मदद के ताइवान 3 महीने के अंदर ताइवान का कंट्रोल में आ जाएगा। ये बात ताइवान को भी पता है, चाइना को भी पता है, यूएस को भी पता है। ठीक है, आप मेरे को पूछेंगे यूएसए प्रेसिडेंट का क्या स्टैंड है। देखिए यूएसए प्रेसिडेंट प्रेस यूएस मैं बताया मैं सी क्या हूँ, वो अभी ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे दोबारा। देखिए इतना सॉफ्ट होके मैं आज तक जितना मेरा समझ है मैं आज तक यूएसए प्रेसिडेंट को नहीं देखा इतना सॉफ्ट होके हैंडल करने के लिए इतना बड़ा इशू को। ताइवान भी समझ रहा है ये इशू को, ताइवान से कैसे करके भी जो बाइडेन का प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद एक वो उसके बाद कोई एक्शन ले सकते हैं चाइना पर, ये ताइवान को भी पता है और ये यूएसए पीपल को भी पता है। आप पूछेंगे इंडिया का क्या स्टैंड है। देखिए इंडिया रिसेंटली अभी कहा है, इंडिया की तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट गया है, इंडिया ने कहा है कि ये चाइना और ताइवान का बायलेटरल इशू है, वो खुद रिजल्व करना चाहिए। मेरा मानना है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया, जिस तरह चाइना बढ़ चढ़ के उभर कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, हमको भी सपोर्ट करना चाहिए ताइवान को। और लास्ट में इन द एंड हम देखेंगे कि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऐसा क्या करने से। देखिए ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, ताइवान को 2-3 न्यूक्लियर बम धरा दो, क्या पता चाइना दोबारा कोशिश नहीं करेगा इन्वर्जन के लिए। दूसरा पॉइंट क्वाड कंट्री मिलके और साथ यूके भी मिलके जापान के साथ ताइवान के साथ एग्रीमेंट कर ले, आपका ऊपर इन्वेजन यानी हमारा ऊपर इन्वेजन, ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है तो चाइना दोबारा कोशिश नहीं करेगा ताइवान को इन्वेजन करने के लिए। इन द एंड आपको मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका क्या मानना है, क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्वाड कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए ताइवान को या नहीं। आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज ऑलवेज आई प्रे टू गॉड फॉर योर वेल हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।